इस वीडियो में हम देखेंगे किसी संख्या में x प्रतिशत की वृद्धि होने पर नई संख्या क्या होगी। जैसे कि ये संख्या है 5000 रुपये, इसमें 20% की वृद्धि होने पर नई संख्या क्या होगी, इस पर आधारित सवाल है। किसी व्यक्ति का वेतन 5000 रुपये है, उसके वेतन में 20% की वृद्धि होने पर उसका नया वेतन कितना होगा। या तो हम 5000 का 20% निकालें और इसी में जोड़ दें, तब आंसर आ जाएगा, अथवा इसका हम क्या करें, दशमलव भिन्न बना लें और इसमें गुणा कर दें। इस हिसाब से 100 प्लस आर ओवर 100 की भिन्न बना लें और आधार वाली संख्या जो ये है इसमें गुणा कर दें, तो ये आ जाएगा। तो हम 20% इसका 5000 का निकालेंगे। तो अभी हमने देखा था दोनों संख्याओं में दर और इसमें अगर 00 कहीं है तो उन्हें हटा करके बाकी का गुणा करेंगे। 50 गुणा 20 1000 हो गया, 5000 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6000। उत्तर हमारा 6000। ये सरल तरीका है, कहीं कहीं ये तरीका सरल होता है। जैसे 100 प्लस आर आर यानी 100 प्लस 20 बटे 100 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1.2। और इसमें जब 5000 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा, 6000। ये भी आंसर 6000 आएगा। दोनों में से जो सही बैठता है, अगर 0 है तब ये सही है, इसमें देर लगेगी, अगर 0 नहीं है तो ये सही होगा। तो कोई भी हम लगा सकते हैं, आंसर सही आ जाएगा। हमने पहले इसका 20% निकाल लिया है और फिर इसी में जोड़ दिया, वेतन बढ़ना है। ठीक इसी तरीके से ये भी हो सकता है, किसी वस्तु का मूल 5000 है, उसे 20% लाभ में बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य प्लस लाभ। लाभ हम निकालें तो निकाल सकते हैं, इसमें 5000 का 20%, इसमें 0 है, 00 है शुरू से, तो हम क्या करेंगे, 2 हटा करके ये 0 और 20 का गुणा कर देंगे, तो कुल मिलाकर 1000 इसका लाभ होगा। 5000 पहले से ये क्रय मूल्य है इसका, कुल मिलाकर के ये इसका विक्रय मूल्य हमारा होगा 6000 रुपया। ठीक इसी प्रकार यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 4500 रुपया है, 500 रुपये इसकी मरम्मत में खर्च किए और उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। प्रश्न वही है, केवल क्रय मूल्य और लागत मूल्य मिलाकर के ये 5000 होना है, फिर इस पर 20% लाभ लेना है, तो 5000 का 20% निकालेंगे तो लाभ पता लग जाएगा। हमने जब किसी दी हुई संख्या का प्रतिशत निकालना सीखा था तो हमने ये देखा था कि अगर दोनों में से किसी संख्या में बाद में 00 है तो उन्हें हटा करके गुणा कर लें दर का, फिर हमारा मिल जाएगा लाभ, यानी 1000 रुपया लाभ होगा। 4500 और 5000 रुपये इसकी लागत है, कुल मिलाकर के ये 6000 रुपया इसका विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस।